पहले मैं मास्टर मर्जी से पूछना चाहूंगा। मास्टर मर्जी, आज हम सबसे जान रहे हैं उनके मॉम्स के बारे में, तो आप कुछ बताइए अपनी मॉम के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, यस, मैं भी बहुत मस्ती खोर था। इतनी मस्ती खाता था कि मुझे बोर्डिंग में भेज दिया गया था। नॉट अ गुड एग्जाम्पल एज अ किड। स्कूल से इतनी कंप्लेन आती थी, बोर्डिंग से इतनी कंप्लेन, मुझे कितनी बार सस्पेंड भी कर देते थे। डैडी गुस्से में वापस लेके जाते थे कि क्यों सस्पेंड किया तेरे को, चल वापस, वही सेम रात को लेके जाते थे। सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस हैज पेड ऑफ वेल। मॉम डैड के बिना आई मस्ट से कि मुझमें वो डिसिप्लिन नहीं आती थी, उन्होंने मुझे बहुत डिसिप्लिन इंस्टिल की। एंड यस मॉम एंड डैड, आई स्टिल लव यू ऑल द मोस्ट। और अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आ रहे हैं जय के झका से सुपर मॉम सेसिल और स्किपर जय। सेसिल, मैंने जय को बुलाया था, ये कौन है? ये यमराज है। ये यमराज है? इतना पतला वर्जन ऑफ यमराज पहली बार देख रहा हूं मैं। सेसिल, वेल, आज आपकी मॉम आई है? यस। कहाँ है वो? ओ, आप बताइए अपनी मॉम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने मिस की होगी, यू नो, शादी होने के बाद की, यार ये चीज मैं बड़ी मिस करती हूँ। मम्मी जो है मेरी बहुत हेल्पफुल है और बहुत हार्ड वर्किंग है। शी इज रिटायरिंग दिस मंथ आफ्टर 30 इयर्स ऑफ सर्विस। तो आई एम द ओनली चाइल्ड। काम करती है, सुबह के नाश्ता, दोपहर का खाना सब सुबह बना के वो जाती थी। मम, आई डोंट नो इफ आई विल एवर बी अ सुपर मॉम लाइक यू। मैं ये डांस शो पर सुपर मॉम हूँ, पर आप तो मेरे लाइफ में एक बहुत बहुत बड़ी सुपर मॉम हो। एंड आई हैव नेवर सेड आई लव यू टू माय मॉम एवर। आई हैव ऑलवेज सेड थैंक यू मॉम, बट मामा, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी। आई लव यू टू ससुर। अब रोइए मत, आप स्माइल करते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं। और अब बारी आपके परफॉर्मेंस की भी, सो कीप स्माइलिंग एंड जोरदार ताला हो जाए जय के झका से सुपर मॉम सेसिल के लिए। साथ में है हमारे जय कुमार नायर, इनके स्किपर। हमें भी आपके साथ यमलोक ले चलो। तुम्हारा समय नहीं आया है सावित्री, और ये हमारे नियम के खिलाफ है। अपने घर लौट जाओ यमराज। ठीक है सावित्री, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो मैं उसे पूर्ण कर दूंगा, परंतु सत्यवान का प्राण लौटाना असंभव है। सत्यवान के पिता की आंखें लौटा दीजिए यमराज। तथास्तु। प्रसन्न हुए सावित्री, मांगो दूसरा वरदान। यमराज, मेरे पिता को 100 पुत्रों का वरदान दे। तथास्तु। मांगो तीसरा और आखिरी वरदान सावित्री।
मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दे। ततास्तु। यमराज, आपके तीसरे वरदान की पूर्ति के लिए मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। तुम सच में सती हो देवी, जाओ मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण लौटाता हूँ। सुपर रॉकिंग परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां हो जाए सेसिल और जय कुमार नायर के लिए। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मास्टर्स का क्या कहना है। और सबसे पहले हम पूछेंगे फारा मैम से। सेसिल, ये मुझे कहना पड़ेगा कि तुम इतनी स्ट्रांग डांसर हो गई हो। आई नेवर थॉट दैट यू वुड डू एन एक्ट लाइक दिस। नॉट ओनली डिड यू एक्ट वेल, बट यू डांस सो स्ट्रांगली और वो पूरा इमोशन हम तक पहुंच रहा था। दो लिफ्ट किए तुम लोग ने। But both were fantastic. जय, मुझे एक ही प्रॉब्लम थी कि डांस थोड़ा और होना चाहिए था। आई थिंक थोड़ा ना वो स्किट होके रह गया। एंड आई थॉट सेसिल वॉज सुपर्ब इन द एक्ट। मास्टर मौसी, वेरी नाइस, वेरी वेल कोरियोग्राफ, बिकॉज आपने सिसिल को डांस करने दिया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर एट दिस स्टेज। एंड सिसिल, हमारी आंखें आपसे हटी नहीं, सो दैट मीन्स यू वर सुपर्ब टूडे, सुपर्ब एज अ डांसर। थैंक यू सो मच मास्टर, ग्रैंड मास्टर। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक करो लेकिन सही करो, दो करो सही करो। दोनों लिफ्ट्स सो क्लीन, सो ब्यूटीफुल कि देख के ला वाओ, मुंह से वाओ निकल गया। वैसे सेसिल, आज मॉम आई हैं आपकी, तो मैं आज उनसे भी बात करना चाहूंगा। सेसिल की तरफ से जितने भी फैमिली मेंबर्स आए हैं वो यहाँ पर परफॉर्म तो जरूर करते हैं, डांस तो जरूर करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको भी ऐसा हम जाने नहीं देंगे, एक आपका डांस जरूर हो जाए। क्या कहते हैं आप? आई 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 आई, चलिए जोरदार ताली हो जाए। मैं डांस करने के लिए है, वो मेरे को मर्जी चाहिए। अरे मुझे तो कितना हैंडसम लग रहा है यार। हाँ दादा, वो तो माँ के पेट से ही था। हाँ दादा, भाड़े के कपड़ों पे हमेशा अच्छा लगता है हमारा कस्टमर। मर्जी एक बार इधर आ, इधर आ, मर्जी कम है। क्या बात है, हमारे ग्रैंड मास्टर कितने दिलदार हैं, सोने का मुकुट आपने दे दिया इन्हें, अभी सोने की अंगूठी भी देंगे। रुक दादा, क्या डांसर है यार, मैं तो मैं रह नहीं पाया, मैं पहना दिया। अब जय, तो आप बताइए अपनी मॉम के बारे में, जो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं उनके बारे में। मेरी मॉम ने बहुत 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 मुझे मार मार कर पाल पोस कर बड़ा किया, बिकॉज मैं बहुत बहुत बहुत
मस्ती घर था मॉम आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी बिकॉज मुझे पता है मैं आज भी आपको सताता हूँ मुझे हमेशा से एक शिकायत रही है मेरी मॉम से मेरे सारे दोस्त मेरे आसपास जो भी रहते पड़ोसी सभी के मम्मियाँ उनको घर की चाबी दे के रखती कि आप जब लेट आओगे आप अंदर एंट्री कर लेना चाबी से मम्मी को पता भी ना चले मम्मी सो रही है आप आगे सो जाओ बट मेरी मॉम ऐसी नहीं है बिकॉज शी रियली केयर्स फॉर मी आप कुछ बोलेंगे मैम तो बहुत मस्ती कर रहा था छोटे पेट में बहुत शरारत है मार मार के सीधा तो कर दिया वो फोन गए तो फोन भी उठाता नहीं बात भी नहीं करता है ये गलत बात है कट कर देता है थोड़ा तो कट कर देता है हाँ, वो कट कर देगा कभी कभी मॉर्निंग से रात तक दादा मैं रिहर्सल में रहता हूँ आंटी आप मुझे फोन करना अगर ये फोन नहीं उठाते है तो ड्यूरिंग रिहर्सल के टाइम थैंक यू सो मच थैंक यू सेसिल आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जनता से ढेर सारे वोट मांगे ताकि आप डीआईडी सुपर मॉम्स की फाइनलिस्ट बन सके और गुजरात में लाइव ग्रैंड फिनाले में आप पार्टिसिपेट कर सके प्लीज अगर आपको ये जो है जो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं इस शो पर बनी रहूं तो टाइप करिए CECI और भेज दीजिए 57575 पर और बाकी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है इंडिया की वोटिंग अन सगळ्यांक देव बोरे करू थैंक यू नाउ लेट्स हैव इट फॉर ससुरान जय कुमार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू